परा विलेज की इस सीरीज में मैं आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। गाइस वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। राइट नाउ मैं हूँ अपने होम टाउन भोरा में, जो है वाराणसी से करीब 45 किलोमीटर दूर। लॉकडाउन लगने से पहले मैं जब अपनी पाकिस्तान ट्रिप के लिए निकला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ट्रिप बीच में ही कैंसिल करके मैं वहाँ से वापस लौटा अपने आंटी के घर जो वाराणसी में है, जो आपने पिछले मेरे वाराणसी सीरीज के ब्लॉग्स में देखा होगा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया 22 मार्च को, और 22 मार्च के बाद 27 मार्च को मैं अपने होम टाउन जिसका नाम है भौरा, जो मेरा गांव है, वहां पे आ चुका हूँ मैं। और मुझे रहते हुए करीबन 3 महीनों से ज़्यादा का समय हो गया है। मैंने अपने इंस्टा पोल पे रिकमेंडेशन मांगी थी अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से, कि क्या वो मेरे विलेज 2 को देखना चाहते, तो मेरे को वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैंने अपने होम टाउन की वीडियोस को बनाने का डिसीजन लिया, तो ये मेरे वीडियो स्टार्ट करने का समय हो चुका है। तो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग बाय ऑल होम टाउन वीडियोस, सो लेट्स सी आगे हम चलते हैं और देखते हैं। राइट नाउ इट्स 10:15 इन द मॉर्निंग। आई वोक्ड अप एट समवेयर अराउंड 8 o'clock। आई हैव फ्रेशन अप माई एवरी थिंग, सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो इन अ डे। इट्स रेनी डे हियर इन होम टाउन, सो हम देखते हैं आगे कैसा है मेरा गांव। तो चलते हैं उसी तरीके से आगे और देखते हैं यहाँ के कुछ अदृश्य दृश्यों को। शायद जिन इनमें से आप में से कोई कभी गांव नहीं आया होगा, तो मेरे तरीके से विजुअलाइज तरीके से वो अपने गांव को मेजमराइज कर सकते। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ के शिव मंदिर में, जो यहाँ पे गांव में थोड़ी ही दूर पर है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका नाम है शिवाला। ये गांव का एक प्राचीन, बहुत ही पुराना शिव मंदिर है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ इस समय। ये है कुछ विजुअल्स, ये एक छोटा सा शिव मंदिर यहाँ पे। बारिश का मौसम है, बारिश भी बहुत हो रही है। तो ऐसा कुछ है भोरा गाँव का शिवाला मंदिर। यहाँ पे मैंने की है थोड़ी बहुत पूजा अर्चना। आज सुबह का मौसम है और मौसम भी काफ़ी सुहाना हुआ है, बिकॉज बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही ब्यूटीफुल है, कैन सी।
आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस समय। शायद कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा होता खूबसूरत। और ये है वो मंदिर जहाँ पे इस समय मैं पूजा करने के लिए आया हुआ था। सो अब मैं जा रहा हूँ गांव की उस प्राथमिक विद्यालय को देखने जो यहाँ पर है, जिसे हम नर्सरी कहते हैं। सो इस समय मैं वॉक कर रहा हूँ, यहाँ से करीबन 400 मीटर है। सो आप नज़ारा देख सकते हैं, समय लोग खेती का सीज़न चल रहा है और इसमें खेत देखिए कितने हरे भरे हैं। और ये है वो खूबसूरत सा भौरा गांव, कितना अच्छा नज़ारा है बारिश के समय। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भौरा गांव के प्राथमिक विद्यालय पे। इस जगह का नाम है कपूरी, जिसको हम अभी देख रहे हैं और विज़िट करते हैं और देखते हैं यहां के प्राथमिक विद्यालयों की हालत कैसी है। और आगे चलते हुए दिखाता हूं कि यहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे मुंबई में भी BMC जो गवर्नमेंट स्कूल चलाती है, वैसे यहां पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से प्राथमिक विद्यालय चलाए जाते हैं जिस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बट इसकी हालत देखते हैं आज कैसी है। तो मैं अपने गांव के जो एक प्राथमिक विद्यालय है उसको देखने आया हूँ। तो लेट्स ही आगे चलते और देखते हैं यहाँ के प्राथमिक विद्यालय जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से चलाए जाते हैं। आते रहे मेरे तो ये तो है हालत यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की। मुझे पता नहीं मैं इसे शब्दों में कैसे बयां करूं। आप देख सकते हैं, आई डोंट नो गांव के लोग ध्यान देते हैं या नहीं, सरकार ध्यान देती है या नहीं, मुझे नहीं पता। बट अगर ऐसे विद्यालयों का हाल है तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा यहाँ पर आके पढ़ने की चाहत रखेगा अगर सरकारी विद्यालयों की हालत ऐसी है। मैं नहीं लगता, शौचालय के नाम पे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है शौचालय के ऊपर, और मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे अच्छे गांव जिनके शौचालयों की हाल ऐसी है। मैं समझ सकता एक बार लड़के तो आ सकते हैं, बट लड़कियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का विषय हो सकता है। बिकॉज ऐसे ओपन टॉयलेट अगर होंगे, और ये इतना शिक्षित गांव है भौरा, जहाँ पे न जाने कितने IAS IPS साइंटिस्ट पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड के लोग भी हैं, बट अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय की हालत किसी से सुधारी नहीं जाती। इस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। मैं पता नहीं इस वीडियो को कैसे YouTube पे डालूंगा, पता नहीं, देखा जाएगा। ये वीडियो यहाँ तक देख ली है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को लाइक करना ज़रा भी ना भूलें। और अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे इस वीडियो पर कम से कम 500 व्यूज़ मिल सकें और मुझे अपने 1000 सब्सक्राइबर को कम्प्लीट करने का मौका भी मिल सके। तो अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ साथ कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, तथा इस वीडियो को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने तक और इस वीडियो को 500 व्यूज तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।